हेलो गाइस, वेलकम टू मी एंड माय डीआईवाई चैनल। आज मैं आपको घर पर ही कुछ इंग्रेडिएंट्स से चारकोल फेस वॉश बनाकर बताऊंगी। जो मार्केट के चारकोल फेस वॉश होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो इजीली अफोर्डेबल नहीं होते। तो आप घर पर ही चारकोल से कैसे एक फेस वॉश रेडी कर सकते हैं, ये एज अ फेस वॉश वर्क करेगा और साथ ही साथ एज अ स्क्रब भी वर्क करेगा। आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। इस रेमेडी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ये चारकोल। आपको फाइन चारकोल पाउडर लेना है और आपको इतना अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना भूलना मत। लेट्स गो स्टार्ट। चारकोल के अंदर ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे फेस से ऑयल को रिमूव करती है, साथ ही साथ डर्ट को रिमूव करती है और हमारे नेचुरली स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करती है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ करीबन 2 चम्मच चारकोल पाउडर को ऐड किया है। आपको जितनी क्वांटिटी में फेस वॉश बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अब इसके अंदर मैंने करीबन 2 चम्मच सोप बेस ऐड किया है। जो सोप बेस है इसके अंदर मैंने रोज फ्लेवर का ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फ्लेवर पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रोज फ्लेवर ऐड किया है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल को ऐड किया है। आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले सकते हैं या फिर मार्केट एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर करीबन वाटर को ऐड किया है जिससे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम लिक्विड फॉर्म आएगी। अब इसके अंदर आप थोड़ा पानी और भी ऐड कर सकते हैं जिससे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम एक्यूरेट बने, जो मार्केट में हम फेस वॉश देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी को और इंक्रीज करने के लिए करीब 1 चम्मच नीम पाउडर ऐड किया है। आप नीम की पत्तियों को सुखाकर उसका ये फाइन पाउडर बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको उसको कैसे अप्लाई करना, ठीक आपको उसी तरह से इस फेस वॉश को अप्लाई करना है। आपको इस फेस वॉश को एज अ फेस वॉश एज अ स्क्रब आप दोनों यूज तरीके से कर सकती है। अब मैं आपको इस वीडियो में आप जैसे देखेंगे आपको ठीक उसी तरह से इस फेस वॉश को अप्लाई करना है। जैसे मैंने इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है, आपको जहाँ पर भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, आपको वहाँ पर सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करनी है और आपको सेम एक्यूरेट यही फॉर्म लेके आनी है जिससे हमारे फेस से सारी डर्ट रिमूव होगी, साथ ही साथ हमारे फेस को नेचुरली ब्राइट बनाने में हेल्प होगी। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है और इतना नेचुरली और इफेक्टिव है। इसको फेस वॉश लगाने के बाद इसको वॉश कर ले, देखो कितना अच्छा लग रहा है वॉश करने के बाद। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको किसी भी नॉर्मल बॉटल के अंदर लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, आपको इसको बाहर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।